सिविल जज आसिम हफीज की अहलिया जिन पर 14 साल बच्ची को हफ्से बेजा में रखकर बदतरीन तशद्दुद का करने का इल्ज़ाम है, उन्होंने आज लाहौर हाईकोर्ट से 1 अगस्त तक हिफाजती जमानत ले ली है, जबकि 25 जुलाई को उन पर FIR दर्ज होने के बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने में नाकाम रही। आज इस हवाले से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद सुबान की यह खबर सामने आई थी कि पुलिस ज़राए का दावा है कि सिविल जज की अहलिया अभी तक शामिल तफ्तीश नहीं हुई हैं और इस्लामाबाद पुलिस ने जज आसिम हफीज की अहलिया को गिरफ्तार करने के लिए गुजरांवाला, लाहौर और रावलपिंडी में छापे मारे, लेकिन पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी। और पुलिस तर्जुमान ने यह बयान जारी किया कि किसी शख्स को मुलजिमा से मुतालिक मालूमात हो तो पुलिस को इतला दी जाए। और फिर यह खबर सामने आई कि लाहौर हाईकोर्ट ने सिविल जज की अहलिया की 1 अगस्त तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। इस वक्त बच्ची लाहौर के अस्पताल में जेर इलाज है। डॉक्टर्स ये बता चुके हैं कि उनके जिस्म पर जख्मों के निशानात पुराने हैं। इससे पहले उनकी इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में ये बात सामने आ चुकी थी कि बच्ची के होंठ सूजे हुए हैं, जिसके मुतादिद हिस्से फ्रैक्चर्ड हैं। दोनों बाजुओं समेत बच्ची के पैर पर जख्म के निशानात हैं और बच्ची के सर समेत जिस्म पर 15 जगह चोटों के निशानात हैं और बच्ची के अंदरूनी आज़ा भी मुतासर हैं। डॉक्टरों का ये भी कहना है कि रिजवाना की हालत देख कर ऐसा लगता है कि उसे नज़रअंदाज किया गया और उसको सही से खुराक भी नहीं दी गई थी। 12 डॉक्टरों पर मुश्तमिल एक मेडिकल टीम बच्ची की तबीयत और जख्मों का जायजा ले रही है। इसके अलावा सिविल जज आसिम हफीज ने गुज़िश्ता दिनों बच्ची के वालदैन को सुलह की पेशकश की थी और कहा था कि वो इलाज का सारा खर्चा और अलग से भी रकम देने को तैयार है, लेकिन मुतासरा बच्ची के वालदैन ने इस पेशकश को मुस्तरद करते हुए कहा कि हमारी बच्ची की सूरत हाल बहुत नाजुक है, हम सुलह किसी सूरत नहीं चाहते। जज साहब को कहा है कि आप अदालतों में इंसाफ करते हैं, आज अपने केस में भी इंसाफ करें। दूसरी तरफ इस केस की FIR से मुतालिक भी तनकीद हो रही है। समाजी कारकुन और कानूनी माहिरीन इस पर सवाल उठा रहे हैं। इस केस में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, बात करेंगे जो न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद सुबह से। अहमद सुबह, बहुत शुक्रिया, आप मुसलसल इस मामले को कवर कर रहे हैं। जाहिर उनकी अहलिया के लिए छापे मारे जा रहे थे, अब उन्होंने जमानत भी करा ली है, क्या अब ताबून किया जा रहा है पुलिस के साथ, उनकी तरफ से क्या सूरत हाल है? जी शाहजेब साहब, अब तक तो सिर्फ जो इस्लामाबाद पुलिस है वो 2 मरतबा कामयाब हुई है सिविल जज आसिम हफीज़ से रब्ता करने में, और वो 2 मरतबा ही उनसे सिर्फ रब्ता हुआ, जिसमें पहले दिन जब ये केस रिपोर्ट हुआ सरगोधा से, जब ये सामने आया और फिर न्यूज़ में चूँकि ये हाईलाइट हुआ, तो उसके बाद आसिम हफीज़ साहब से रब्ता हुआ, जिस पर उनने कहा कि इस बच्ची ने खाद खा ली थी, मिट्टी खा ली थी, और उसके बाद इसको जब मना किया तो इस बच्ची ने दीवार से टकरें मारी और ख़ुद को ज़ख्मी कर लिया। इसके अलावा इसको कोई किसी किस्म की चोट नहीं आई, लेकिन इसके बाद जिस तरह से मेडिकल हुआ और इब्तदाई मेडिकल में सरगोधा में और फिर लाहौर जनरल हॉस्पिटल में आया कि वो सिर्फ सर की चोटें नहीं थी उस बच्ची की, बल्कि जो चोटें थी वो कई दिन पुरानी थी कि जिसमें उसके सर पे कीड़े भी पड़ चुके थे और इसी तरह उसके जिस्म पर भी मुतादे जगहों पर ज़ख्म के निशानात थे। सिर्फ ज़ख्म नहीं थे बल्कि उसकी जो हाथों की हड्डी है, जो कलाई की, वो भी टूटी हुई थी, और इसी तरह उसका नाक, उसका एक दांत, उसके होंठों पर सूजन, फिर कमर पर उसके जख्म के निशान थे, उसका गला दबाए जाने के निशानात थे उंगलियों के गले के ऊपर, तो इस तरह के तमाम तरह निशानात थे जो कि वो जज साहब का जो इब्तदाई बयान था उसकी नफी कर रहे थे। इसके बाद अब आज करवा ली गई है जमानत के बदले गिरफ्तारी जज साहब की अहलिया की जानिब से लाहौर की हाईकोर्ट से। उधर के जज हैं फारूक हैदर, जिनने 1 अगस्त तक की जमानत दी है। ताहाल आज दोपहर से इस वक्त तक भी जज साहब की फैमिलीज़ की तरफ से पुलिस के साथ कोई रबता नहीं किया गया। इस्लामाबाद पुलिस की जो तफ्तीशी टीम है वो इस वक्त भी लाहौर में मौजूद है, जो कि अब ASP उसको खुद से लीड करें। तनकीद हो रही है कि पुलिस ने इस FIR में जो टॉर्चर की शिकें हैं वो शामिल नहीं की और बुनियादी केस ही बच्ची पर बदतरीन तशद्दुद का है। कुछ समाजी रहनुमा भी इस हवाले से जो है एक्टिविस्ट वो तनकीद करते नजर आ रहे हैं। इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी, इसमें इस तरह है कि चूंकि ये इब्तदाई तौर पे जो वाकया रिपोर्ट हुआ था तशद्दुद का और बच्ची को रखे जाने का, तो उसके हवाले से ये 2 दफ़ात इसमें केस में ऐड की गई थी, 342 और 506। इसके बाद जब इस्लामाबाद पुलिस लाहौर पहुंची और जाके बच्ची का तमाम तर जो सूरत हाल का जायज़ा लिया, उसकी एज को भी मुलायजा किया गया और इसी तरह उसके जिसम पर जो ज़ख्म के निशानात हैं उनका भी मुलायजा किया गया, तो उसके बाद जो सेक्शन 328A है वो भी इस FIR में ऐड कर दिया गया था। और उसके बाद जो पहली जिमनी है इसमें ये पुलिस हुकाम ने हमें कंफर्म किया कि इस दफा को भी ऐड कर दिया गया था। उस दफा के तहत तमाम तर ये जो टॉर्चर है और इस तरह से बच्ची को जो हफ्से बेजा में रखा गया, जो उसको डराया धमकाया गया कि वो जब अपने वालदैन से बात भी करती थी टेलीफोनिकली तो उस दौरान भी इस बच्ची ने कुछ नहीं बताया वालदैन को, इसी के साथ साथ जिस तरह से अब तक जो पुलिस को भी इस्टेब्लिश हुआ जज साहब की फैमिली की जानिब से, तो उसमें यह बताया गया कि जो बच्ची की वालदा हैं उनको बुलाया गया था जज साहब की
तक के घर से ही कॉल करके उनकी अहलिया की जानिब से, और उसके बाद फिर इनके इस बच्ची की वालदा आई थी और इस बच्ची को लेकर जाने के लिए ही बुलाया गया था, चूँकि इस बच्ची को ये लोग मजीद नहीं रखना चाहते थे अपने पास। जिसके बाद इस स्टोरी को, अब जज साहब की स्टोरी ये है, जबकि इसकी जो वालदा हैं वो जिस तरह से FIR में दर्ज करवाती हैं कि वो खुद से इस आए और अपनी बच्ची को मिलने, जिसमें ये सारी सूरत हाल उनके सामने आई। अब तक इस्लामाबाद पुलिस तकरीबन 8 मुकामात पर इन जज साहब को और इनकी अहली और इनकी फैमिली की तलाश के लिए छापे मार चुकी है, जिसमें रावलपिंडी, लाहौर और गुजरांवाला की जो मुख्तलिफ रिहायशगाहें, इनके जो करीबी रिश्तेदार हैं उनके घरों पर भी छापे मारे गए, लेकिन कहीं भी ना तो जो करीबी रिश्तेदार हैं, जो ब्लड रिलेशन हैं इन दोनों के, जज साहब और इनकी अहलिया के, ना तो वो ट्रेस हो पाए, ना ही ये फैमिली खुद पुलिस को मिली। जिसके बाद गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह से जो जज साहब के वालिद साहब हैं वो गुजरांवाला में अपनी रिहायशगाह पर तो नहीं, अपने जो आबाई इलाका है वहाँ पर तो नहीं, लेकिन एक और भी इनकी रिहायशगाह है गुजरांवाला सिटी में, वहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस को मिले और वहाँ पर फिर उन्होंने तमाम तर तफसीलात का बताया और इस्लामाबाद पुलिस को ये भी कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको हम कायल कर लें इस फैमिली को, कि जिसमें इनसे हमारी सुलह मुतवक्के है। लेकिन आज भी जब मेरी शाम के औकात में इस बच्ची के वालिद से बात हुई और वो लाहौर जनरल हॉस्पिटल में ही इस बच्ची के साथ ही मौजूद थे, तो उसमें भी उन्होंने ये कहा कि दो रोज़ से अब तक कोई राबता नहीं किया गया किसी भी फैमिली मेम्बर की जानब से जज साहब की, और ना ही हमारे साथ कोई सुलह की या किसी भी किस्म के तावुन की कोई हमें पेशकश की गई है। गुज़िश्ता दो रोज़ में सिर्फ एक मरतबा जज साहब की फैमिली की जानब से कॉल आई थी इनको, और उसमें यह पेशकश की गई थी, जज साहब की अपनी तरफ से ही बेसिकली ये कॉल थी और उन्होंने पेशकश की थी इलाज की भी, और साथ में जो गुजर बसर के लिए कुछ पैसे देने का भी उन्होंने कहा था, और साथ में कहा था कि इस मामले को पर हम आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। लेकिन चूंकि इब्तदाई तौर पर इस फैमिली ने इनकार कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद जो जज साहब के वालिद साहब हैं वो तो ये कहते हैं पुलिस को कि हम कोशिश कर रहे हैं और इनसे राबता कर रहे हैं, और ये भी उन्होंने दावा किया था कि जो गुज़िश्ता रोज़ गुजर चुका है, जो दिन जुमेरात का जो बुध का दिन बनता था, उसमें इनने जाना भी था लाहौर जनरल हॉस्पिटल और जाके इस फैमिली से मिलना था, लेकिन अब तक आज की शाम तकरीबन 5-5:30 बजे तक भी इस फैमिली के साथ किसी भी किस्म का कोई राबता ना किया गया और ना ही उनको कोई इस तरह की सहूलत इलाज में दी गई। लेकिन जो लाहौर जनरल हॉस्पिटल में उनका इलाज जारी है उससे भी वो उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया और उन्होंने कहा कि हमारी बेटी की बेहतर देखभाल इस वाले से मौजूद थे। बहुत लाजमी है कि बगैर किसी दबाव के शफाफ अंदाज में इस मामले की तहकीकात अंजाम तक पहुँचा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।